फ्रेंड्स कार मोमापेट बीच शंकर वेट में आप सबका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन सीरियस इशू इन पैट्स दैट इज कॉल्ड एज रैबीज, यानी कि रैबीज डॉग्स में क्या सिम्टम है और किस तरह से पहचानेंगे कि आपके डॉगी को रैबीज हो चुका है और वो रैबीज वायरस से ग्रसित है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डॉग प्रेजेंटेड है ये रैबीज के लिए सस्पेक्टेड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वोमिट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये वोमिट नहीं कर पाता है। ये रैबीज से जब एनिमल सस्पेक्ट रहता है तो दो तीन चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके रेस्पिरेटरी जो पैटर्न है और टोटल एब्डोमिनल है, और एक्चुअली ये वोमिट नहीं कर पा रहा है लेकिन ये स्वैलो नहीं कर पा रहा है। इसने ओनर ने बताया कि खुद का जो स्क्रीटा था उसको खा लिया है या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ये खाता है और ये सडन बिहेवियरल चेंज हुआ है। तो अगर सडन बिहेवियरल चेंज आपको लगता है तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए। जो रैबिट डॉग होते हैं वो आपको थोड़े देर के दो फॉर्म में होता है एक्चुअली। एक तो फ्यूरियस फॉर्म होता है जिसमें आपको अटैक करता है, लेकिन एक फॉर्म जिसे हम लोग डम्ब फॉर्म कहते हैं उसमें पोस्टेरियर पैरालिसिस आती है, जॉ की पैरालिसिस आती है, टंग की पैरालिसिस आती है, और इनिशियल स्टेज में जो डॉग है वो वियर्ड बिहेवियर करता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो डॉग है यहाँ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगा है, लेकिन एकाएक उसके सडन बिहेवियर में चेंज होता है और हॉस्पिटल में आने के बाद भी वो इंटरेक्ट नहीं करता है डॉग्स के साथ और सडन उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपको बिहेवियरल डिजॉर्डर दिखता है और एनिमल फूड को इंजेस्ट नहीं कर पाता है और उसका जो जॉ है वो अगर फुल्ली पैरालाइज हो जाएगा तो ड्रॉप्ड हो जाता है। किसी किसी केस में आपको सलाइवेशन मिल सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में सलाइवेट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सडनली अबनॉर्मल बिहेव करने लगता है और ऐसे लगता है कि जैसे ये नशे में है। सो दिस ऑल थिंग्स आर सजेस्टिव कि इसको रैबीज हो सकता है। और फिर हम लोग हिस्ट्री लेते हैं एक्चुअली डॉग बाइट का हिस्ट्री है क्या। ऑनर जनरली हम लोग देखते हैं कि डिनाई करते हैं कि उनके पेट को किसी डॉग बाइट नहीं हुआ है, लेकिन जब इस तरह से वियर्ड बिहेवियर आता है तो वेट्स बिल्कुल सतर्क रहते हैं और उनको पता है कि ये फ्यूरियस फॉर्म नहीं है बट डॉम फॉर्म ऑफ रैबीज में होता है इस तरह के सिम्टम्स। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी जो साउंड है वो भी बिल्कुल बदल गई है और अनयूजुअल बिहेवियर है और कोई भी फूड को इंजेस्ट नहीं कर पाता है। तो ये डम फॉर ऑफ रैबीज है और यहाँ पे अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसमें डॉग के सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। आप आवाज़ भी सुन रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बदला हुआ है और ये ऐसे लग रहा है जैसे कि वो उसके एब्डोमिनल पेन है। ओनर को ऐसा लगता है लेकिन एब्डोमिनल पेन नहीं है, ये सारे रैबीज के सिम्टम्स और साइन हैं। तो फिर जब हमने हिस्ट्री लिया तो ओनर ने बताया कि उनके मदर को इसने 7 डेज़ पहले बाइट कर लिया है, पहले ये कभी बाइट नहीं करता था, ओनर को भी खुद से बाइट किया था। तो दो लोगों को ये बाइट कर चुका था वाइल हैंडलिंग। जब हमने फिर से हिस्ट्री और डिटेल में उनसे पूछी, बार बार पूछी और बताया कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है, तो उन्होंने फिर बताया कि ये डॉगी जो है करीब 2 से 3 महीने पहले एक छोटा सा फाइट किसी स्ट्रे डॉग के साथ हुआ था। तो अगर स्ट्रे डॉग के साथ हुआ है तो उन्होंने इसको वैक्सीन भी नहीं लगवाया था। इमिडिएटली आपके डॉग को प्रोटेक्शन के लिए ARV वैक्सीन लगवाना चाहिए। और अगर इस तरह की आप गलतियाँ करते हैं, आप चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने आप को रिस्क पे रखते हैं और फिर उसके कंसिक्वेंसेस बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। यानी कि आपको भी अगर रैबीज हो जाएगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपके पेट को वियर्ड है और कभी भी वो घर से बाहर गया है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको उसने बाइट कर लिया है तो उसे आपको खुद को इमिडिएट वैक्सीनेशन कराना चाहिए। मैंने इनको एडवाइस किया कि इमिडिएटली आप खुद को और अपनी मदर को वैक्सीनेट कराइए, RIG यानी कि रैबीज़ के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जो आता है उसका इन्फिल्ट्रेशन कराएं, क्योंकि ये इस तरह के बाइट जो होते हैं जो रैबिट डॉग से सस्पेक्टेड होते हैं उसमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक बार रैबीज हो जाने के बाद उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा था कि फ्यूरियस फॉर्म जिसमें डॉग अटैक करता है, काटता है, वहाँ तो आपको समझ में आता है और उसका जॉ पैरालाइज रहता है। जो डम
जिस तरह से इसमें से थोड़ी देर के लिए नॉर्मल बिहेव करता है फिर अब नॉर्मल हो जाता है, उसमें आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि आप अपने आप को एक्सपोज ना करें इस वायरस के लिए। इसमें लोगों को लगता है कि जो डॉग्स जो हैं उनमें भी हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि वाटर से उसको डर लगता है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। होता ये है कि जो डॉग्स और जो एनिमल्स होते हैं उनको पानी पीने का तरीका अलग है या लिक्विड पीने का तरीका, वो स्वेल हमारी तरह से ग्लास से या किसी पॉट से पानी नहीं पीते हैं, वो डॉग्स जो हैं वो टंग से लीक करते हैं फिर उसको स्वेलो करते हैं। हम लोगों में जब रेबीज होता है तो हाइड्रोफोबिया इसलिए होता है कि जब आप पानी पीते हैं तो फेरेंजियल स्पाज्म होता है, जो भी आदमी रेबीज से ग्रसित होता है तो जब पानी या लिक्विड कोई गले में जाता है तो भयंकर दर्द होता है और उसके चलते फिर वो उससे डरने लगता है और पानी नहीं पीता है। तो जो हाइड्रोफोबिया का केस है वो एनिमल्स में नहीं मिलता है। इवन आप अगर वाटर ऑफर करेंगे तो उसे प्यास लगी रहती है तो वो पीना चाहता है, इसलिए उसके साथ प्ले करता है, लिक करता है बस, बट उसे स्वेलो नहीं कर पाता है। यहाँ पर तो जॉ भी पैरालाइज है और साथ ही साथ इसमें आपको टंग का भी पैरालिसिस मिलता है। तो किसी भी तरह से वो ना तो फूड को इंजेस्ट कर पाएगा ना ही वो वाटर या लिक्विड को इंजेस्ट कर पाएगा। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को खाने के पीछे रीज़न ये है कि उसकी एपेटाइट तो रहती है लेकिन वो खा नहीं पाता है, तो स्वेलो नहीं कर पाता है कुछ चीज़ों को, तो इसलिए यहाँ पे भी वो खाने की कोशिश करेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं या उसे पीछे से चलने में दिक्कत आती है, लड़खड़ाहट होती है या ड्रंकन गेट होता है, तो आपको डंप फॉर्म ऑफ रैबिज सस्पेक्ट करना चाहिए। और गलती से भी वो घर से बाहर गया है, आपने देखा भी नहीं है कि किसी स्ट्रे डॉग के साथ फाइट हुआ है और आप वैक्सीन उसे नहीं लगवाए हैं, तो आप हमेशा उसे सतर्क रहना है। इसलिए जब भी आप डॉग पालते हैं, अपने घर में रखते हैं, कोई भी पेट रखते हैं या अडॉप्ट करते हैं, तो उन्हें एंटी रेबीज के लिए एनुअल वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। अपने पेट को अगर आप वैक्सीनेट कराते हैं तो ये आपके और आपके पेट दोनों के लिए सेफ्टी के लिए अति आवश्यक है। और आपका पेट जो है अगर गलती से किसी स्ट्रे डॉग के साथ फाइट हो भी जाता है तो वो प्रोटेक्टेड रहता है। अगर आपको लगता है कि उसे किसी स्ट्रे डॉग ने फाइट किया है, बाइट किया है, तो फिर पोस्ट बाइट वैक्सीन लगाना ना भूलें। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेगा और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपको थोड़ी सी मदद कर पा रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी मैं आपको पेट्स से रिलेटेड जो भी इशूज़ आएंगे उस पर अपडेट करता रहूँगा और आपके पेट को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए तमाम तरह के एडवाइस दूंगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।